किसान साथियों नमस्कार। साथियों अभी एमपी में कुछ मौसम में बदलाव आया है और महाराष्ट्र और गुजरात में भी कहीं कहीं मौसम में बदलाव आया है और जो मौसम विभाग की चेतावनी है उस हिसाब से साथियों एमपी के कई हिस्सों में और महाराष्ट्र में और गुजरात छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। और आज दिनांक 26 नवंबर 2023 है और 26, 27 और 28 यानी कि 3 और 29 तक आप मान सकते हैं, यानी कि 3-4 दिन का जो मौसम का दबाव बना हुआ है उस हिसाब से अभी एमपी में बारिश होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। और बारिश के साथ ही साथ साथियों इसमें ओले गिरने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये मौसम घना बना हुआ है, इस सूर्य यानी कि सन भी बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा है और ये संभावनाएं बन रही हैं, बादल छाए हुए हैं और बादलों की आवाजाही बनी हुई है। तो साथियों काफ़ी सारे YouTube चैनल और काफ़ी सारे जो सरकारी एनालिसिस विभाग है यानी कि जो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं उन विभाग के द्वारा चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी तो क्या है, एक जारी की गई है कि अभी एमपी में बारिश हो सकती है और ये 26, 27, 28 और 29 ये 3-4 दिन का जो दबाव बना हुआ है बारिश का वो इसमें बारिश होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। और साथ ही साथ साथियों ओले गिरने की भी संभावनाएं हैं, जिसमें कुछ भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन रीजन और आप जबलपुर रीजन भी ले सकते हैं, इनमें बारिश के साथ साथ कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना है। और बारिश भी हल्की फुल्की दे रखी है, यानी कि होगी या होगी तो भी हल्की बारिश होगी सर, क्योंकि ज़ोरदार बारिश होगी नहीं और ना ही कोई ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान या फिर ज़्यादा ओले गिरने की संभावना है। बाकी अगर देखा जाए तो किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि कई कई पे किसानों के बहुत सारी जगह पे किसानों के पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और पानी की कमी आ रही है। हमारे भी यहाँ पर जो आप खेत देख पा रहे वीडियो में, यहाँ पर हमारे भी थोड़ी पानी की कमी आ रही है। तो अगर एक पानी गिरता है ठीक ठाक तो उससे क्या होगा कि पान उतर जाएगी, यानी कि एक बार पानी मिल जाएगा तो उसके बाद थोड़ा पानी भी कुओं में या फिर ट्यूबवेल वगैरह में इकट्ठा हो जाएगा और आगे जाके पानी की कमी थोड़ी पूरी हो सकती है। तो साथियों ये थी कुछ जानकारी जो कि हम आपको देना चाहते थे। और अगर आप के कहीं बुआई करनी है गेहूं वगैरह की या फिर किसी चीज़ की बुआई करनी है, जुताई वगैरह करनी है, तो आप आज ही उस चीज़ को निपटा लें, क्योंकि हमारे एक खेत में हमने गेहूं की बुआई की थी जो कि 24 नवंबर के शाम को हमने उसमें बुआई कर दी थी। एक दिन में खेत को जोत के दूसरे दिन हमने बुआई कर दी थी, क्योंकि पानी की संभावनाएँ बन रही है, जो कि एक बार जुताई होने के बाद अगर आप पानी गिर जाता है तो आपको डबल से वापस से जुताई करनी पड़ती है और आप पछते भी पड़ जाते हैं, यानी कि आपकी फसल पछती हो जाती है। तो आप हो सके तो बुआई वगैरह का काम अगर आपको करना है गेहूं वगैरह और बाट के चने वगैरह अगर आप बोना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप बुआई कर लें और काम को निपटा लें, ताकि अगर बारिश हो भी जाती है तो आपके डबल से जुताई का खर्च करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आप बचते भी नहीं पड़ेंगे। तो साथियों ये थी बारिश की कुछ जानकारी जो कि मौसम विभाग की अनुसार दी गई है, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर इन रीजन में बारिश हो सकती है। बाकी ये ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि होती या नहीं होती, बाकी जो मौसम विभाग की चेतावनी जारी की गई है उस हिसाब से तो बारिश होगी और हो सकती है। तो साथियों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।